Hello everyone, welcome to Knowledge Halt. In this lecture, we will see exterior angle of a triangle and its property. आइए देखते हैं exterior angle होता क्या है. सबसे पहले मैंने एक triangle बना लिया, triangle ABC. Triangle ABC and side BC is produced to meet somewhere at D. ठीक है, इसके अंदर हमारा एक एंगल कौन सा है, एंगल BAC, एक है एंगल ABC और एक है एंगल ACB. ठीक है, इस एंगल को मैंने कंसीडर कर लिया एंगल वन और इस एंगल को कंसीडर कर लिया एंगल टू. हमारा जो ये वाला एंगल है एंगल ए सी डी, जो हमने बी सी को प्रोड्यूस किया डी तक और जो ये एंगल का फॉर्मेशन हुआ एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी को हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल. एंगल ए सी डी इज द एक्सटीरियर एंगल, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आती है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इट्स ओपोजिट इंटीरियर एंगल. इसका मतलब क्या हुआ, एंगल, ये प्रॉपर्टी है, एंगल ए सी डी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी. ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ इट्स ओपोजिट इंटीरियर एंगल. अब हम इसका प्रूफ देखते हैं कि ये होता कैसे है. प्रूफ के लिए मैंने क्या किया, ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी सी ई. ठीक है, ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी सी ई. अब आपको पता है ए बी इज पैरेलल टू सी ई और मैंने इस एंगल को एंगल एक्स ले लिया और इस एंगल को एंगल वाई ले लिया. आपको पता है When two parallel lines are cut by a transversal, alternate angles are equal and corresponding angles are also equal. तो इसमें alternate angles कौन कौन से हैं? Angle one is equals to angle X और corresponding angle है angle two and angle Y. It means angle two is equals to angle Y. आइए proof देखते हैं. सबसे पहले हम एंगल वन की बात करते हैं. एंगल वन क्या है, एंगल वन इक्वल्स टू एंगल एक्स. कैसे, पैरेलल लाइंस कौन कौन से हैं, ए बी और सी कट बाय ट्रांसवर्सल. इसमें इस केस में ट्रांसवर्सल कौन सी है, ए सी हमारा ट्रांसवर्सल है और ये अल्टरनेट एंगल्स हैं और हमें पता है पैरेलल लाइंस के केस में ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं. ठीक है, उसी तरह एंगल टू इज इक्वल टू एंगल वाई, एंगल टू इज इक्वल टू एंगल वाई. ये कैसे हुआ, ये हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है. व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, एंगल वन प्लस देयरफॉर एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल्स टू एंगल एक्स प्लस एंगल वाई. एनी डाउट, अब देखो एंगल वन हमारा क्या था, एंगल एक्स, एंगल टू क्या था, एंगल वाई. तो एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल्स टू एंगल एक्स प्लस एंगल वाई. और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स ओपोजिट
इंटीरियर एंगल, हमारा एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, एंगल एसीडी। तो हम एंगल एसीडी को लिख सकते हैं एंगल एसीई, एंगल एसीई प्लस एंगल ईसीडी, एंगल ईसीडी। फर्दर हमारा एंगल एसीई क्या है, एंगल एक्स प्लस एंगल ईसीडी क्या है, एंगल वाई। तो क्या यहां से प्रूफ हो गया और हमारा ये एंगल एसीडी जो है क्या हो गया, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, और एंगल एक्स प्लस एंगल वाई क्या है, एंगल वन प्लस एंगल टू। इट मींस सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल एसीडी इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, एंगल एबीसी एंड एंगल बीएसी, हेंस इट इज प्रूव्ड। ठीक है, ये था एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल। थैंक यू।